नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के औरैया जनपद की मंडी समिति में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी पार्टी कार्यालय में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2024 के चुनाव की तैयारी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद डिप्टी सीएम सेया पहुंचे अस्पताल, जहां पर उन्होंने सेया अस्पताल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान आशा बहुओं और अन्य लोगों की समस्याओं को भी सुना, शीघ्र निवारण के निर्देश भी दिए। इसके बाद डिप्टी सीएम का कोर मुख्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही योजनाओं की जानकारी भी ली। औरैया जनपद के सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा हुई है। औरैया को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे। केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी हम करने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर एक पर आएगा और जिले में अपार संभावनाएं हैं। और मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ सभी जनप्रतिनिधियों का, अपने ऑफिसर्स का, कि अच्छा काम इन लोगों ने किया है और जो सुधारात्मक व्यवस्था उसको लगातार हम करते रहेंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक से बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जलालपुर थाना इलाके के दोहाल तेराही का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हमीरपुर की यह घटना है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज जारी है। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बाराबंकी जिले के जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों का बखान भी किया। उन्होंने कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं पहलवानों के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पहलवानों के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो फेक है। इस अवसर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा समेत जिले के बीजेपी विधायक मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर गिनाते हुए बड़ी उपलब्धियां बताई। मैंने रास्ते में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि विपक्ष हम लोगों से 9 साल में 9 सवाल पूछ रहा है, बड़ा अच्छा लगा। अब जब हम बात करेंगे कि हमारे समाज को सरकारों से क्या क्या उम्मीदें थी, छोटी छोटी बातों को कितनी बड़ी जरूरत के रूप में देखा जाता था और उसको नरेंद्र भाई साहब ने किया प्रधानमंत्री के रूप में। जैसे हम केवल 6 या 7 बिंदु आपसे डिस्कस करेंगे, फिर आप पूछेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक जेसीबी ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। बता दिया, हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सड़क पार कर रहा था। इस दौरान युवक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, जहां पर राहगीरों ने जेसीबी समेत चालक को पकड़ लिया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर जेसीबी ने एक युवक को टक्कर मार दी है। जालौन कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर सड़क पार करते हुए एक
युवक को जेसीबी ने टक्कर मारी और इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए जेसीबी और चालक को पकड़ लिया है और साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। लेकिन दुखद खबर, जहां पर सड़क पार करते हुए युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जेसीबी से टक्कर लगने के वजह से यह हादसा हुआ है। तो जालौन की यह घटना है जहां पर सड़क पार करते हुए युवक को जेसीबी ने टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं परिजनों का इस पूरी घटना के बारे में सुनने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर फतेहपुर जनपद के खागा कोतवाली क्षेत्र के नयापुरवा मजरे हरदो गांव में से एक गुरुवार की रात्रि को तिलक समारोह से दो बालिका लड़कियां गायब हो गई थी। बताया जा रहा है कि जिसमें खागा पुलिस ने दोपहर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और छानबीन के दौरान दोनों लड़कियों के शव को पेट्रोल पंप हाईवे के किनारे से झाड़ियों से बरामद किया है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक की टीम ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज दिन में दोपहर में ये पता चला कि दो लड़कियां नयापुरवा से गई हैं और कल चली गई थी, जो आज तक परिवारी जन द्वारा ढूंढा गया, नहीं मिली। तो आज दोपहर में आए थे, उस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ है और इसके बाद पुलिस जो है सर्च करने में लग गई, परिवारी जन भी लगे हुए थे। तो कटोघन पेट्रोल पंप के बगल में झाड़ियों में इनकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ईंट से प्रहार करके उनकी हत्या की गई है। वहीं गाजियाबाद पुलिस के लिए सरदर्द बने 50,000 के इनामी बदमाश के साथ मुरादनगर पुलिस और देहात एसओजी की टीम की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश मोनू चौधरी उर्फ विशाल घायल हुआ। वहीं बदमाश की गोली लगने से दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार बदमाश के खिलाफ तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसी मामले में एक वांछित अभियुक्त मोनू चौधरी, जो कलारसी गांव का ही रहने वाला है, उसके बारे में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि वो अपनी बहन के घर से मोटरसाइकिल से निकल रहा है इधर मिलने के लिए किसी से। उसकी मोटरसाइकिल पर उसके साथ एक और व्यक्ति सवार था, उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। इसी सूचना पे पुलिस पार्टी को अलर्ट किया गया, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष मुरादनगर, उन्होंने स्वयं इसको लीड किया और उनकी टीम ने लीड किया। यहाँ पे गंग नहर के पास जब उनको इंटरसेप्ट किया गया तो फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक बदमाश, जिसकी अभी तक आइडेंटिटी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीतापुर कमला नगर थाना क्षेत्र के सरौरा काला ग्राम प्रधान देशराज यादव ने अपने बेटों और भतीजों के साथ मिलकर सगे भाई की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान मासूम बच्चे को भी चोटें आई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं लोगों का कहना है कि प्रधान पद पाने के बाद देशराज यादव आए दिन विवादों में बने रहते हैं। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में आने वाली ग्राम अड़जवार में स्थित तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। वहीं तालाब के आसपास मौजूद बच्चों के द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने काफी खोजबीन कर एक घंटे बाद दोनों बच्चियों के शव को तालाब से बाहर निकाला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर पहुंचा दिया है। हम करवा रहे हैं।
कितने कितने में पढ़ती थी? पढ़ती एक छः पास है, एक मोड़ी पढ़ती नहीं थी। एक मोड़ी पढ़ती नहीं थी। अच्छा, कब डूबी हैं ये बच्ची? 11:30 बजे। अच्छा, कितने बजे बॉडी मिली थी? एक घंटा के बाद, 12:30 बजे। कहाँ डूब गई थी? तालाब में। तालाब में क्या करने गई थी? सफर भी। घटना ये घट गई, वो खेत पे वहीं काम करते थे, वहीं कि वहीं नहाने चलेंगी तालाब में। अच्छा, दो लड़की तो डूब गई, पानी में फिसल गई। तो ये बताइए कितने बजे की घटना है ये? 11:30 की। इन लोगों को, आप लोगों को कैसे पता चला? वहीं बच्चे आए, वहाँ कहने वहीं से बच्चे आए तालाब में से, उन्होंने कहा कि दो बच्ची डूब गई। हम करवा रहे हैं सर। तो सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है, जहां पर उन्होंने नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं। स्थानीय सेवा के जिन 93 बसेज को और 7 अन्य साधारण बसेज को यहां पे प्रारंभ किया जा रहा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मित्रों, जब हम लोग आज यहां पर एक और 50 वर्ष की शानदार यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा, उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है, यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा, ये हर नागरिक का अधिकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ वह यात्रा एक पैसेंजर करता है, हमें उस पैसेंजर के उस अधिकार को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए करना चाहिए। हम सबके सामने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के आंकड़े अत्यंत भयावह हैं। अगर एक वर्ष के अंदर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो अत्यंत भयानक दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी, कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, दुनिया पस्त थी, अस्त व्यस्त थी, उस सब के बावजूद कोरोना जैसी महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाने, जन धन की हानि को रोकने में काफी सफलता प्राप्त हुई। कारण था देश की लीडरशिप। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस महामारी के खिलाफ लड़ा, परिणाम हम सबके सामने था। और जब आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
भारत सरकार के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रम ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने के कार्य तो किए। फ्री में टेस्ट की व्यवस्था, फ्री में उपचार की व्यवस्था, डोर टू डोर कैंपेन करके स्क्रीनिंग की व्यवस्था, जिन लोगों का रोजगार छिन गया था उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से बढ़े और परिणाम था मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई। जो भी किसी बीमारी से, खासतौर पर कोरोना जैसी महामारी से जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, वह दुखद है, उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन 3 वर्ष में कोरोना जैसी महामारी से जितनी जाने नहीं गई, अगर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को देखूंगा तो उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा मौतें 1 वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। सड़क दुर्घटना ओवर स्पीडिंग के कारण, सड़क इंजीनियरिंग की किसी फॉल्ट के नाते, या सड़क के लिए जो एक नियम बनाए गए हैं, जब कोई इसे ओवररूल करता है तो दुर्घटना होती है, किसी मासूम की जान जाती है। हम सब के लिए यह न केवल यह एक चेतावनी है बल्कि एक चिंता का विषय भी होना चाहिए। व्यापक जागरूकता से, सड़क के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने से हम असंख्य लोगों की जान बचा सकते हैं। और मैं आह्वान करूंगा, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को रोकना, एक एक जान हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है, एक एक व्यक्ति की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उस व्यक्ति की, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपने आप में एक अमूल्य निधि है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, किसी भी एक्सीडेंट से होने वाली मौत को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करना, अगर हम इसको करते हैं तो वास्तव में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार चिंता व्यक्त की है। आज के इस अवसर पर परिवहन निगम जिन कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है, इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की बसें से या उत्तर प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा का उपयोग जो लोग भी करना चाहते हैं, हमें उन लोगों को उस प्रकार की सुविधा देनी होगी। और केवल इसे निगम के स्तर पर ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ती है प्राइवेट ऑपरेटर को भी एक रेगुलेशन के साथ जोड़ करके हर गांव तक यातायात की सुविधा हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी, बस की सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी। अगर हमारे गांव तक ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो लोगों के लिए आसान होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग उपयोग करेंगे। मैंने देखा है जहां पे इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हुई है, इलेक्ट्रिक बस सेवा के कारण लोगों में उसकी एक नई डिमांड बनी है। हम वर्तमान में प्रदेश के 10 सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ किए हैं और इतनी डिमांड है उसकी, जहां जाओ हर व्यक्ति कहता साहब हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए, हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए। एक बहुत सकारात्मक भाव है, और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर इस बात को कहूंगा, समय आ गया है बस स्टेशन अच्छे हों, सुरक्षित हों, हमारी बस की ये सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। आवश्यक नहीं कि इसमें हम सरकार से पैसा लेकर के ही परिवहन निगम में बस का बेड़े को हम बड़ा करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की मौजूदा संसाधन की अभिवृद्धि तो हो ही, लेकिन साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे
तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं की दर को भी हम और भी सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की दर को और न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं परिवहन निगम को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन 100 बसेज को शुभारंभ होने पर अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शलिफ लाल के इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।